भाजपा प्रवक्त्या नुपूर शर्माच्या वक्तव्याचा सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुस्लिम समाजाकडून निषेध, कारवाई करण्याची केली मागणी। भाजपा प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी प्रेषित मोहम्मद यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्याचा सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुस्लिम समाजाकडून निषेध करण्यात आला। यावेळी मोठ्या संख्येने मुस्लिम समाज उपस्थित होता। समस्त मुस्लिम समाजाचे दैवत असलेल्या हजरत मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांविरोधात कारवाई करावी अशी मागणी या आंदोलनात करण्यात आली। आज यहाँ पर ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की जानिब से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। जमा होने का मकसद, हम यहाँ पर जमा हो इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है और इसी तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा यानी पाक बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हम सब की माई हैं, इनके सिलसिले में क्या है, गलत गलत नामुनासिब अल्फाज कहे गए हैं जिसको हम क्या फतान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे। कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारा जमा होना हुआ और जमा होकर हम सब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कि जो कोई भी सिर्फ हमारे मज़हब को लेकर नहीं, कोई भी मज़हब हो, किसी भी मज़हब के किसी भी रहनुमा को कोई बुरा भला बोलता हो तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और सख्त से सख्त उसके लिए क्या एक एक्ट और एक कलम बनना चाहिए जो जिसके लिए क्या उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसी बात ना कहे। तो इस मकसद के लिए हम यहाँ पर जमा हुए थे और हमने क्या है कलेक्टर को एक निवेदन भी देकर आए और कलेक्टर साहिबा ने भी हमसे कहा कि हम ये आपकी जो अर्जी है, आपका जो मेमोरेंडम है, ये हम ऊपर तक पहुंचाएंगे और हम आपको क्या उम्मीद दिलाते हैं कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के अंदर हम आपके लिए क्या है कि कोशिश कर रहे हैं और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर उसके बाद में क्या है हम वापस और कोशिश करते रहेंगे ताकि क्या है कोई किसी मज़हब के बारे में, कोई किसी मज़हब के रहनुमा के खिलाफ, कोई किसी मज़हब के कायद के खिलाफ ऐसे नामुनासिब अल्फाज और गलत कलामी ना करें, इसलिए हम लोग और कोशिश करते रहेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर जमा हुए थे। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो जुर्म करेगा उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, SBN मराठी, सांगली।